वाराणसी शहर न जाने कितनी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधाएं लिए सदियों से हमारी संस्कृति की साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच से पवित्र नदी गंगा बहती है। इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानियां बयां करती हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट, वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से, और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इन स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग हो जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ। इतिहास की बात करें तो यह शहर में सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी में एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए। विष्णु ने दंपति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गया, इसीलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है, भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से यह घाट का निर्माण हुआ। यहाँ 24 घंटे जलती है चिताएं। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं। घाट के शीर्ष पर जलाऊन लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है, जिसमें से चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला। इसी जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।